Assalamu alaikum students, I'm Vaseem Ikram. This is the 27th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Kaise hain aap? Inshallah acche honge. Pichle kuch lectures se hum sequential circuits pe baat kar rahe hain. In fact, pichle lecture mein humne asynchronous counters pe baat ki thi. Aaj inshallah discussion jari rahegi. Aaj synchronous counters pe baat karenge. Isse pehle ki aaj ki discussion shuru ki jaye, last lecture mein jo humne topics discuss kiye the, unka review ho jaye to kafi behtar hoga kyunki wahi wale concepts aaj ke lecture mein bhi apply honge. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी. एक 555 डिवाइस है जो हम ये कह रहे थे उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए मोनोस्टेबल डिवाइस एंड एन एस्टेबल डिवाइस. मोनोस्टेबल का मतलब ये हमने बताया था कि जो भी डिवाइस है वो एक स्टेबल स्टेट में रहती है. आप जब भी ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं वो एक अनस्टेबल स्टेट में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस अपनी स्टेबल हालत में आ जाती है. वो जो अनस्टेबल स्टेट है वो एक बड़ा शॉर्ट इंटरवल के लिए रहती है और वो डिटरमिन होता है आर एंड सी. जो रेजिस्टर और कैपेसिटर आप कनेक्ट करेंगे उस डिवाइस से तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड्स में टाइम डिटरमिन करता है. इसके बाद हमने तीन मेजर प्रॉब्लम्स जो थी वो देखी थी. जो आप डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, एक क्लॉक सिग्नल दिया हुआ है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक हमने बताया था कि होल्ड टाइम की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. बेसिकली आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं और दोनों को एक आपने क्लॉक कनेक्ट किया हुआ है और जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है. क्योंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली ट्रिगर हो रहे हैं तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट चेंज हो रहा होगा उसी वक्त जो है सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट भी जो है उसको स्टेबल रहना चाहिए क्योंकि क्लॉक सिग्नल आ रहा है. अब क्योंकि सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो रहा है जो कि दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है तो वो जो होल टाइम हमने बात की थी कि जो भी फ्लिप फ्लॉप है जो ही क्लॉक पल्स आता है तो इनपुट पे इन्फॉर्मेशन जो है डाटा जो है उसको स्टेबल रहना है फॉर अ सर्टेन मिनिमम टाइम, होल टाइम जिसको कहते हैं. अब इस केस में वो होल टाइम अगर वो प्रोपेगेशन डिले से कम है तो फिर तो प्रॉपरली काम करेंगे, पर अगर होल टाइम जो है प्रोपेगेशन डिले से ज्यादा है, प्रोपेगेशन डिले जो पहले फ्लिप फ्लॉप का, तो ये सर्किट जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा. हमने बताया था कि प्रैक्टिकली जो होल्ड टाइम है वो बिल्कुल मिनिमल होता है, 0 नैनोसेकंड्स होता है, तो इस केस में सर्किट्स काम करेंगे. दूसरी जो हमने बात की थी क्लॉक स्क्यू हमने बताया था कि एक ही कॉमन क्लॉक है. अब क्योंकि कनेक्शंस की लेंथ डिफरेंट है, एक फ्लिप फ्लॉप एक एंड पे लगा हुआ है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है फिजिकली एक दूसरी जगह पे लगा हुआ है, तो जो क्लॉक सिग्नल है तो एक ही पर वो टाइम में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे पहुंच रहा है डिले की वजह से. अब डिले की वजह से लेट्स से दो फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड हैं, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है अगेन उसका आउटपुट जो है पहले दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है. अब अगर पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो लेट्स सपोज 1 से 0 की तरफ चेंज हो रहा है और जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको जो क्लॉक मिल रहा है वो थोड़े डिले के बाद मिल रहा है, अगर प्रोपेगेशन डिले जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का वो कम है क्लॉक्स क्यू से तो जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट पे कोई एक वैल्यू होगी. अगर जो क्लॉक्स क्यू है वो उसका टाइम कम है प्रोपेगेशन डिले से तो सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कुछ और वैल्यू होगी क्योंकि इनपुट जो है वो पहली वाली स्टेट पे. सो ये जो है क्लॉक्स क्यू की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. अब क्लॉक्स क्यू की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है उसमें. सो जो सर्किट्स डिजाइन करेंगे उसमें ये क्लॉक्स क्यू का ख्याल रखना पड़ेगा. बेसिकली जहां जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनको क्लॉक मिल रहा है उनको कोशिश ये करनी है कि एक साथ में क्लॉक सिग्नल उन तक पहुंचे. इसी जो हमने बात की थी रेस कंडीशन ये है कि कोई भी इनपुट सिग्नल चेंज हो उसकी वजह से इंटरनल वेरिएबल जो है किसी भी लॉजिक सर्किट के वो डिफरेंट टाइम्स पे हाई या लो होंगे. अब वो डिफरेंट टाइम्स पे जब इंटरनल वेरिएबल्स जो सिग्नल्स हैं वो हाई लो होंगे उसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं. अगेन हमने वो देखा था कि अगर एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है उसको नेगेटिव कर दिया जाए तो जो ये प्रॉब्लम जो है रेस कंडीशन की ये खत्म हो सकती है. इसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की थी एसिंक्रोनस काउंटर्स की. एसिंक्रोनस काउंटर्स बेसिकली क्या है, जो क्लॉक है वो सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे लगाया गया है, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है उसको हम यूज कर रहे हैं एज ए क्लॉक सिग्नल फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. इसी तरह जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक सिग्नल के इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ. सो क्लॉक जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा वो रिपल होगा और बाकी फ्लिप फ्लॉप को भी मिलेगा, इसलिए एसिंक्रोनस काउंटर्स को हम रिपल काउंटर्स भी कहते हैं. अब जो रिपल जो क्लॉक हो रहा है एक फ्लिप फ्लॉप से गुजरता हुआ बाकियों तक पहुंच रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर फ्लिप फ्लॉप का एक प्रोपेगेशन डिले है. सो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक सिग्नल पहुंचेगा वो एक प्रोपेगेशन डिले के बाद पहुंचेगा. इसी तरह जो तीसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल मिल रहा है वो अगेन दो प्रोपेगेशन डिले के बाद मिलेगा. अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर आप इसी तरह बड़ा काउंटर बना दें, आप फ्लिप फ्लॉप्स ऐड करते जाएं तो आखिरी जो फ्लिप फ्लॉप है उस तक काफी क्लॉक जो है देर के बाद पहुंचेगा तो आउटपुट जो है उसका डिले हो जाएगा. सो बेसिकली एसिंक्रोनस जो काउंटर्स हैं उनको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ये प्रोपेगेशन डिले की वजह से. सो उस केस में हम ये आज डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर्स यूज करेंगे. हमने मॉड एन एसिंक्रोनस काउंटर्स की बात की थी. मॉड एन का मतलब है मॉड्यूलस एन. सो मॉड्यूलस 8 मींस कि 8 डिफरेंट स्टेट्स तक काउंट करेगा, यूनिक स्टेट तक काउंट करेगा. सो कैसे होगा, बेसिकली तीन फ्लिप फ्लॉप आपस में जोड़ेंगे तो तीन फ्लिप फ्लॉप से 000 से लेकर 111 तक काउंट हो रहा है जो 8 स्टेट्स हैं. इसी तरह आप कोई भी मॉड्यूलस एन काउंटर बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स टुगेदर.
हमने एक डेकेड काउंटर देखा था। डेकेड काउंटर बेसिकली 0 से 9 तक काउंट कर रहा है, 10 स्टेट्स काउंट कर रहा है उसमें। बेसिकली चार फ्लिप फ्लॉप हमने इकट्ठे जोड़े हुए हैं उसमें। अब चार फ्लिप फ्लॉप्स जब इकट्ठे जोड़ेंगे तो वो काउंट करेगा, बेसिकली मॉडल 16 काउंटर बन जाएगा, 0 से लेकर 15 तक काउंट करेगा। अब डेकेड काउंटर जैसे के हमें बताया 10 स्टेट्स हैं, सो इसको 9 तक काउंट करके वापस रीसेट हो जाना चाहिए 0000 पे। वो कैसे होगा, बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो ही 10 काउंट करता है, 10 मींस 1010 बाइनरी में, तो एक हमने एंड गेट लगाया हुआ था जिसकी वजह से उस सारे फ्लिप फ्लॉप को हम रीसेट कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं उसमें। सो ये हमारा डेकेड काउंटर बन गया। अगर कोई और आपने ट्रंकेटेड सीक्वेंस में काउंट करना है तो बेसिकली इसी तरह के एंड गेट्स यूज करेंगे या नैंड गेट्स यूज करेंगे, जिससे जिसकी मदद से आप काउंटर को रीसेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कमर्शियली जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में एसिंक्रोनस काउंटर्स अवेलेबल हैं, आपको ये जरूरी नहीं कि फ्लिप फ्लॉप्स जोड़ें और एंड गेट्स जोड़ें। सो एक जो हमने डिस्कस किया था 74193 था, इसमें चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तीन तो इकट्ठे कनेक्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ ए 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर और एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो अलहदा से है। दो क्लॉक इनपुट्स मिल रही हैं और चार जो हैं फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो आप इस चिप को एज 3-bit काउंटर यूज कर सकते हैं। अगर 4-bit काउंटर यूज करना है तो जो तीन हैं वो एक के साथ जोड़ लें, जिस तरह आपका 16 मॉडल 16 काउंटर बन जाएगा। आप जो है दो डिफरेंट चिप्स को आपस में कैस्केड कर सकते हैं और एक बड़ा काउंटर बना सकते हैं उसमें, डिवाइड बाय 50 काउंटर बना सकते हैं, डिवाइड बाय 60, व्हाटएवर। सो आप मल्टीपल चिप्स को कैस्केड करके जितना बड़ा काउंटर चाहें वो बन सकता है। आज हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं एसिंक्रोनस डाउन काउंटर से। डाउन काउंटर बेसिकली क्या है, अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो हमने बात की है अप काउंटर की। अप काउंटर बेसिकली क्या है, इनिशियल स्टेट जो है वो 000 है और उससे वो जो ही क्लॉक पल्स मिलता है, ट्रिगर होता है, तो वो एक काउंट जो है बढ़ाता है। सो 0 से 1 जाएगा, 1 से 2, 3, 4 एंड ऊपर की तरफ काउंट कर रहा है। डाउन काउंटर बेसिकली जो है एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा और वो काउंट डाउन करेगा। जैसे अगर 3-bit काउंटर है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी 111 है, 7 बाइनरी में 7 है। जो ही एक क्लॉक पल्स आया तो 7 से 6 काउंट कर देगा, फिर 6 से 5, 4, 3 और इसी तरह जब 0 पे पहुंचेगा फिर क्या होगा, वापस रीसाइकिल कर देता है। अप काउंटर भी इसी तरह रीसाइकिल करता है और डाउन काउंटर भी रीसाइकिल करता है। सो 000 पे जब डाउन काउंटर पहुंचेगा उसके बाद दोबारा से 111 से काउंट सीक्वेंस दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब डाउन काउंटर बनेगा कैसे, बेसिकली डाउन काउंटर और अप काउंटर में इतना फर्क नहीं है। अप काउंटर में अगर आपको याद हो जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उन सारों के इनपुट्स जो थे वो परमानेंटली लॉजिक 1 के साथ कनेक्टेड हैं और जो क्यू आउटपुट है हर फ्लिप फ्लॉप का वो क्लॉक के साथ कनेक्ट हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं अप काउंटर की। डाउन काउंटर जो है उसमें हर फ्लिप फ्लॉप का जो क्यू बार जो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली जो ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो है ये काउंटर जो है डाउन की तरफ काउंट करेगा। इसको हम देखते हैं, इसका सर्किट डायग्राम भी देखते हैं और इसका टाइमिंग डायग्राम भी देखते हैं। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो बुक में अगर आप देखें उसमें जितने भी काउंटर्स डिस्कस किए हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हैं। दैट मींस जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं लो से हाई जब क्लॉक ट्रांजिशन होता है तब वो नेक्स्ट स्टेट पे जाता है या उसकी स्टेट चेंज होती है। जो मैं इधर अपने लेक्चर में काउंटर्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो है सारे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। सो दैट मींस क्लॉक सिग्नल जब हाई से लो जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप तब वो काम करेगा, आउटपुट स्टेट चेंज करेगा। बेसिकली फर्क दोनों में कोई भी नहीं है। आप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड काउंटर्स बना सकते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स या काउंटर्स आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं उसमें। तो आइए देखते हैं ये जो है डाउन काउंटर, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, इसका सर्किट कैसा है और ये काम कैसे करता है। डायग्राम में एक 3-bit एसिंक्रोनस डाउन काउंटर दिखाया गया। तीन फ्लिप फ्लॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं। पहला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका भी इनपुट 1 से जे के जो इनपुट है 1 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह दूसरा और तीसरा दोनों के जे के जो इनपुट्स हैं 1 के साथ परमानेंटली कनेक्टेड हैं। जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसमें आप डायरेक्ट क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो क्यू बार आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ। इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे। जो आपको काउंट मिल रहा है पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है F0। इसी तरह जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो F1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा वाला जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम, ये काम कैसे कर रहा है। टाइमिंग डायग्राम में सबसे ऊपर क्लॉक इनपुट सिग्नल दिखाया गया है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप जो है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और जो काउंटर है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। सो हाई टू लो ट्रांजिशन पे फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। F0 जो है वो क्यू आउटपुट जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का वो दिखाया गया है। F0 बार जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट नीचे दिखाया गया। इसी तरह F1 और F1 बार दिखाया गया और F2 आउटपुट जो है तीसरे फ्लिप फ्लॉप का दिखाया गया। अब पहले वाले क्लॉक ट्रांजिशन पे हाई टू लो ट्रांजिशन पे T1 पे F0 की स्टेट जो है वो 0 से 1 हो जाएगी क्योंकि इसके दोनों इनपुट 1 से टाइड हैं। सो दैट मींस पहला वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा 1010 हर क्लॉक ट्रांजिशन पे। सो इसी तरह T2 पे जैसा कि देखा जा रहा है F0 जो है 1 से 0 हो गया, इसी तरह T3 पे 0 से 1 हो गया एंड सो ऑन। अब जो F0 बार है वो ऑफकोर्स F0 का ऑपोजिट है तो वो आपको इधर दिखाया गया है। जब F0 हाई होगा तो F0 बार लो होगा। अब इंटरवल T1 पे F0 बार जो है वो हाई टू लो जा रहा है। अब ये वाला सिग्नल जो है इसको कनेक्ट किया हुआ है सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे। सो हाई टू लो ट्रांजिशन पे सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप भी ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि उसके इनपुट्स जो है जे के इनपुट्स जो है 1 के साथ टाइड हैं तो ये भी टॉगल करेगा। सो F1 बार जो है आपको हाई से लो जाते हुए नजर आ रहा है।
अब इसी तरह जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे F1 बार सिग्नल कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये हाई टू लो ट्रांजिशन हुई, थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल कर जाएगा स्टेट 0 से 1 की तरफ। अब T2 पे अगर देखें जो क्लॉक इनपुट है वो हाई टू लो ट्रांजिशन हुई, अब इसकी वजह से F0 जो है वो चेंज हो गया हाई टू लो, F0 बार जो है वो लो टू हाई जा रहा है। अब क्योंकि लो टू हाई जा रहा है तो F2 के इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, सो F1 पे कोई चेंज नहीं आया, वो उसी तरह है। अब इंटरवल T2 पे जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे भी कोई क्लॉक चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए उसका भी आउटपुट जो है वो स्टेबल हाई पे है। T3 इंटरवल पे अगर देखा जाए क्लॉक इनपुट जो है हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ, F0 जो आउटपुट है 0 से 1 हो गया, F0 बार जो है वो हाई से लो जा रहा है। अब हाई से लो गया तो जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजिशन हुई क्लॉक इनपुट पे, जिसकी वजह से उसकी स्टेट जो है वो टॉगल हो जाएगी, पहले जो F1 स्टेट थी वो 1 थी अब 0 हो जाएगी। इसी तरह F1 बार जो है वो क्योंकि 0 था अब 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 जो ट्रांजिशन है वो पॉजिटिव क्लॉक की ट्रांजिशन है, सो जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप T5 इंटरवल पे देखें तो क्लॉक इनपुट जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है, F0 आउटपुट जो है लो से हाई जा रहा है, F0 बार जो है हाई से लो जा रहा है। हाई से लो जाने की वजह से जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर देगा, पहले जो F1 की स्टेट थी वो 0 थी अब वो 1 हो रही है। अब F1 बार क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है देयरफॉर उसकी जो पहली स्टेट 1 थी वो 0 हो जाएगी। अब 1 से 0 जब होगी तो दैट मीन्स एक हाई से लो ट्रांजिशन हो रही है सिग्नल में। अब क्योंकि F1 बार सिग्नल जो है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है, सो देयरफॉर तीसरे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगी 1 से 0। अब इसी तरह अगर टाइमिंग डायग्राम में फॉलो करें T6, T7, T8, T9 तो स्टेट्स चेंज होती नजर आ रही है हाई टू लो ट्रांजिशन पे। अब अगर वापस आप आए T1 से T2 इंटरवल में आप F0 को देखें वो हाई है, F1 को अगर आप देखें वो भी हाई है, और F2 को देखें वो भी हाई है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 1, 1, 1 जो कि 7 है बाइनरी में। अब इंटरवल T2 और T3 को देखें, F0 जो है वो 0 हो गया, F1 1 है और F2 जो है वो 1 है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 1, 1, F0 जो है वो 0 है, बाकी F1 और F2 1, 1 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट 6, और बाइनरी में भी 0, 1, 1 जो है 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इंटरवल T3, T4 में देखें, F0 जो है 1 है, F1 जो है वो 0 है, और F2 जो है वो हाई है या 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 5, 1, 0, 1 जो बाइनरी में 5 है। इसी तरह इंटरवल T4 और T5 में 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, T6, T7 में 2 हो गया, T7 और T8 में 1 हो गया, और T8, T9 में अगर आप देखें F0 जो है 0 है, F1 आउटपुट 0 है और F2 आउटपुट 0 है, तो ये आखिरी वाली स्टेट है 0, 0, 0। अगर इसके बाद आगे जाएं T9 के बाद तो ये तीनों आउटपुट जो है वापस 1, 1, 1 में आ जाएंगे। दैट मीन्स ये जो 3-bit asynchronous डाउन काउंटर है ये रिसाइकल इसने कर लिया जब ये लीस्ट काउंट पे 0, 0, 0 पे पहुंचता है। अभी हमने 3-bit asynchronous डाउन काउंटर देखा, बेसिकली अप काउंटर और डाउन काउंटर में फर्क इतना है कि अप काउंटर में जो क्यू आउटपुट है वो हम अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं, डाउन काउंटर में जो क्यू बार आउटपुट है वो हम अगले वाले क्लॉक फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं। सो डाउन काउंटर बेसिकली एक मैक्सिमम काउंट से नीचे की तरफ काउंट कर रहा है और जब मिनिमम काउंट पे पहुंचते हैं 0, 0, 0 पे वापस रिसर्कुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉड एन काउंटर हम बना सकते हैं यूजिंग ए डाउन काउंटर। बेसिकली यस, हम बिल्कुल बना सकते हैं। अप काउंटर जैसे कि हमने बताया था कि मॉड एन काउंटर किसी टाइप का बना सकते हैं, लेट्स से 16 मॉड 16 काउंटर है, हम मॉड 10 बनाना चाहें तो बेसिकली एक एंड गेट यूज करेंगे जिससे काउंटर को रीसेट कर रहे हैं। इसी तरह डाउन काउंटर में लेट्स सपोज हमारे पास यही 3-bit वाला जो डाउन काउंटर है हम इसको मॉड 3 काउंटर बनाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली मॉड 3 मींस 3 यूनिक स्टेट्स काउंट करेगा। सो पहली स्टेट क्या होगी, 1 1 1 होगी, उसके बाद जो है डाउन काउंट करेगा 1 1 0 पे चला जाएगा, उसके बाद जो तीसरी स्टेट है 1 0 1, तो ये 3 यूनिक स्टेट्स ने काउंट कर ली। इसके बाद कहां जाना चाहिए, बेसिकली इसको रीसेट हो जाना चाहिए, इसको रीसाइकल कर जाना चाहिए 1 1 1 पे। सो बारी बारी ये 1 1 1 1 1 0 और 1 0 1 ये 3 जो स्टेट्स है बार बार रिपीट करेगा। बेसिकली ये बनाएंगे कैसे, अब अगर आप रिकॉल करें अप काउंटर में जब हमने डेकेड काउंटर की बात की थी तो डेकेड काउंटर में हमने बताया था कि 0 से 9 तक काउंट करता है, जो ही वो 1010 जो 10th स्टेट है उस पर पहुंचता है तो हम उसको रीसेट कर देते हैं, एक एंड गेट लगाया हुआ था उसकी मदद से। अब ये क्योंकि डाउन काउंटर है तो हमने इसको रीसेट 00 पे नहीं करना, हमने उसको मैक्सिमम काउंट वैल्यू 111 पे करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो एक एंड गेट या नैंड गेट कोई भी कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जो ही ये फोर्थ स्टेट पे जा रहा है दैट मींस 101 तो वैलिड स्टेट है, 100 पे गया उसकी वजह से हम जो है काउंटर को सेट करेंगे, रीसेट नहीं कर रहे सेट कर रहे हैं, सेट से वही एसिंक्रोनस इनपुट्स को इस्तेमाल करेंगे, प्री सेट जो इनपुट है उससे हम इस काउंटर को 3-bit काउंटर को 111 आउटपुट पे सेट कर देंगे। आइए देखते हैं एक डाउन काउंटर जो एक मॉड एन पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसके सर्किट को देखते हैं और देखते हैं काम कैसे करता है।
जो सर्किट दिखाया गया है ये एक मॉड 5 डाउन काउंटर का है। अगेन वही तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तीनों के इनपुट्स जो हैं परमानेंटली लॉजिक 1 के साथ कनेक्टेड हैं। पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें डायरेक्ट क्लॉक अप्लाई की हुई है, बाकी जो दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें जो क्लॉक सिग्नल आ रहा है वो उससे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है और क्यू बार जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। ऊपर की तरफ एक नैंड गेट नजर आ रहा है जिसके तीन इनपुट जो हैं, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू बार इनपुट कनेक्टेड है, दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है नैंड गेट के साथ, और जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका भी क्यू बार कनेक्टेड है नैंड गेट के इनपुट के साथ। अब नैंड गेट का जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ है प्री सेट सिग्नल जो है, जो एक्टिव लो सिग्नल है और एसिंक्रोनस सिग्नल है। अब बेसिकली ये काम क्या करता है, ये जो है इनिशियल काउंट जो है ये सेट कर दिया है 111 पे। जो ही क्लॉक पल्स आई ये काउंट करेगा नीचे की तरफ, सो 111 से ये हो जाएगा 110 की तरफ, इसी तरह नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये 101 पे जाएगा, इसी तरह 4 पे एंड सो ऑन। अब ये देखना ये है कि ये किस स्टेट पे रीसेट हो रहा है। अब जैसे कि हमने देखा नैंड गेट के इनपुट पे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का क्यू बार कनेक्टेड है, दूसरे का क्यू कनेक्टेड है और तीसरे का क्यू बार कनेक्टेड है। दैट मीन्स क्यू बार जब 1 होगा पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का, दूसरे का क्यू जब 1 होगा और इसी तरह तीसरे फ्लिप फ्लॉप का क्यू बार जब 1 होगा तब नैंड गेट का आउटपुट 0 होगा। सो 0 की वजह से ये तीनों फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे, बल्कि प्री सेट हो जाएंगे 111 स्टेट पे। सो ये किस स्टेट पे प्री सेट हो रहा है, दैट मीन्स पहला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट 0 हो, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो, तीसरे फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट 0 हो। आइए जरा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं, उसकी मदद से इसको इसकी वर्किंग को समझते हैं। टाइमिंग डायग्राम में इंटरवल T1 पे अगर देखें, जो 3-बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर है वो स्टेट 111 पे सेट हुआ है। F0 जो है वो 1 है, F1 जो है वो भी 1 है और F2 जो है वो भी 1 है। इंटरवल T2 पे वो डाउन काउंट कर रहा है, सो F0 जो है वो 0 हो गया, F1 जो है वो 1 है, F2 भी 1 है। इसी तरह ये डाउन काउंट करता हुआ T5 इंटरवल पे अगर आप देखें, T5 पे F0 1 है, F1 भी 1 है और F2 जो है वो 0 है। T5 इंटरवल तक जो है 5 स्टेट इसने काउंट कर लिए। अब T6 इंटरवल पे जो F0 है वो हाई से लो जा रहा है, F1 जो है वो हाई से हाई पे ही रह रहा है और इसी तरह जो F2 है वो लो से लो पे ही रह रहा है। अब अगर NAND गेट को देखें उस पे F0 इनपुट कनेक्टेड है, F1 इनपुट कनेक्टेड है और F2 इनपुट कनेक्टेड है। अब F0 इनपुट को देखें वो टाइम इंटरवल T6 पे लो से हाई जा रहा है, सो दैट मीन्स NAND गेट का एक इनपुट जो है वो 1 हो गया। इसी तरह F1 इनपुट जो है वो भी NAND गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है, the second input of the NAND gate also becomes 1, logic 1 हो गया। इसी तरह F2 बार को देखें वो भी 1 है T6 इंटरवल के फौरन बाद, सो दैट मींस NAND गेट का तीसरा इनपुट भी 1 हो गया। सो NAND गेट का आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 से ये जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये प्रीसेट हो रहे हैं 111 पे। सो T6 इंटरवल के थोड़ी देर बाद देखें F0 जो है वो भी 1 हो गया, F1 जो है पहले भी 1 था वो 1 ही रहेगा और इसी तरह F2 जो था वो 0 था और वो 1 हो गया। अब T7 इंटरवल पे क्या होगा, बेसिकली जो ही क्लॉक पल्स आया तो ये 111 स्टेट से डाउन काउंट करेगा, 110 पे जाना चाहिए। वही नजर आ रहा है F0 जो है वो 0 हो गया, F1 जो है वो लॉजिक हाई ही है, F2 भी लॉजिक हाई है। इसी तरह T8 इंटरवल पे अगेन डाउन काउंट करेगा, सो डाउन काउंट अगर आप देखें F0 पे 1 हो गया, F1 पे 0 हो गया और F2 पे भी 1 है। अभी हमने एक डाउन काउंटर देखा जिसको हमने एक मॉड 5 के तौर पे कॉन्फ़िगर किया था। बेसिकली इसमें जो याद रखने वाली बात है कि जब भी आप जो स्टेट रीच कर गए जिससे आपने रीसाइकल करना है, तो रीसाइकल पे आपने उसको प्रीसेट करना है, क्लियर नहीं करना। सो प्रीसेट करके उसको 111 पे सेट कर देना, उधर से दोबारा से वो डाउन काउंट करेगा। आइए बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स पे। एसिंक्रोनस काउंटर्स में हमने बात की थी कि अगर आप बड़ा काउंटर बनाना चाह रहे हैं, एसिंक्रोनस काउंटर बनाना चाह रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोपेगेशन डिले, क्योंकि वो जो क्लॉक सिग्नल है वो सिर्फ आपने पहले फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बाकी फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक मिल रहा है वो पहले से गुजरेगा, फिर दूसरे से गुजरेगा, तीसरे से एंड सो ऑन। अब इसकी वजह से प्रोपेगेशन डिले हर एक का जो आउटपुट है वो थोड़ी देर बाद चेंज होगी। तो अब अगर आपने 10 फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट किए हुए हैं तो 10वें पे काफी प्रोपेगेशन डिले के बाद क्लॉक मिलेगा, सो जो आउटपुट है वो इनपुट चेंज हो गया और आउटपुट काफी देर के बाद हो रहा है। सो लार्ज जो काउंटर्स हैं यूजिंग एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। बेसिकली एसिंक्रोनस काउंटर्स आप नहीं बना सकते जो मल्टीपल बिट्स काउंट करें। दूसरी हमने बात की थी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, जो क्लॉक इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा देंगे और फ्रीक्वेंसी जो है क्लॉक जो सिग्नल है उसका साइकिल टाइम जो है वो लेस हो जाए प्रोपेगेशन डिले से, तब भी ये काउंटर काम नहीं करेंगे। इसका हल क्या है, बेसिकली सिंक्रोनस काउंटर्स। सिंक्रोनस काउंटर्स में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, आप बड़ा काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट कर देंगे, अगर छोटा काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो थोड़े फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट करेंगे। बेसिकली जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सारों के क्लॉक इनपुट्स हैं वो इकट्ठे कनेक्टेड हैं, सो दैट मींस जो ही क्लॉक सिग्नल आप भेजते हैं वो सारों को साइमल्टेनियसली मिलेगा, तो साइमल्टेनियसली सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो ट्रिगर होंगे।
अब आपस में फ्लिप फ्लॉप्स कैसे कनेक्टेड हैं? एसिंक्रोनस के केस में हमने ये देखा था कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके जे के इनपुट्स जो हैं वो परमानेंटली हमने वन के साथ कनेक्ट किए हुए जोड़े हुए हैं। सो बेसिकली हर जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल करता है, जो ही आप क्लॉक मिलती है उसे वो टॉगल कर रहा होता है वन से जीरो, जीरो से वन। सिंक्रोनस के केस में जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो इनपुट है जे के इनपुट है वो पहले वाले के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, क्यू जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ है जे और के साथ। सो दैट मीन्स जो ही पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा क्लॉक मिला, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल करेगा क्योंकि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट जे के इनपुट जो है वो वन वन के साथ कनेक्टेड है। सो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वन से जीरो जाएगा या जीरो से वन जाएगा। अब ये क्योंकि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है, सो अगर वो वन है तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल कर जाएगा, अगर जीरो है तो वो टॉगल नहीं करेगा, वही स्टेट पहने रहेगा उसमें। आइए देखते हैं कि ये दो फ्लिप फ्लॉप है या टू बिट जो सिंक्रोनस काउंटर है ये कैसे बनाया गया और इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। टाइमिंग डायग्राम पे जरा खास तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के टाइमिंग डायग्राम से। आइए देखते हैं टू बिट सिंक्रोनस काउंटर का सर्किट, जिसमें दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। पहले वाला जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके जो दोनों इनपुट्स हैं जे एंड के उसको परमानेंटली वन के साथ कनेक्ट किया हुआ लॉजिक वन के साथ। दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जो दो जे के इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है और उनको कनेक्ट किया हुआ है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्यू आउटपुट के साथ। सो क्यू अगर वन होगा तो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप आउटपुट पे टॉगल कर जाएगा, अगर पहले वाला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है एफ नॉट वो जीरो है सो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका एफ वन आउटपुट वो वही रहेगा जो पहले था। क्लॉक पे अगर आप देखें क्लॉक सिग्नल जो है दोनों क्लॉक इनपुट्स के साथ इकट्ठा कनेक्टेड है, सो एक सिंगल क्लॉक साइमल्टेनियसली दोनों को एक ही वक्त में ट्रिगर कर रहा है। अब आइए इसकी जरा वर्किंग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टाइमिंग डायग्राम। ये जो टू बिट सिंक्रोनस काउंटर है ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है। इधर जो डायग्राम है वो बेसिकली नेगेटिव एज ट्रिगर्ड टू बिट सिंक्रोनस काउंटर का है। ऊपर क्लॉक जो इनपुट दिखाया गया है वो हाई टू लो जब ट्रांजिशन होता है तब ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं अपनी स्टेट चेंज करते हैं। अब अगर एफ नॉट आउटपुट पे देखा जाए टी वन इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजिशन पे एफ नॉट आउटपुट जो है जीरो से वन हो गया। इसी तरह टी टू इंटरवल पे हाई टू लो जो ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक की उस वक्त अगेन टॉगल करेगा वन से जीरो पे, और इसी तरह हर टाइम इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजिशन पे वो वन से जीरो हो रहा है या जीरो से वन हो रहा है। ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है कि जे के इनपुट जो है पहले फ्लिप फ्लॉप के वो वन के साथ कनेक्टेड है, सो जे के का जो फंक्शन टेबल अगर आपको याद हो उसमें वन वन इनपुट पे आउटपुट टॉगल कर रहा है। अब अगर आप एफ वन आउटपुट पे देखें अब टी वन इंटरवल पे जो ही सेकंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक ट्रांजिशन हुई हाई टू लो उस वक्त जे के इनपुट पे बेसिकली क्या है वो अभी वन नहीं हुआ क्योंकि इनपुट पे अभी जीरो हुआ है, क्योंकि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट जो है वो जीरो पे है। अभी थोड़ा इसको देर लगेगी आउटपुट चेंज होने में क्योंकि प्रोपेगेशन डिले। दैट मीन्स टी वन इंटरवल पे जो ही क्लॉक मिला पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो थोड़ी देर बाद चेंज होगा ड्यू टू दैट प्रोपेगेशन डिले। उससे पहले जो है फ्लिप फ्लॉप टू के इनपुट पे जीरो है जिसकी वजह से आउटपुट उसका जीरो रहेगा। इस तरह टी टू इंटरवल पे अगर देखें टी टू इंटरवल पे जे के इनपुट जो है सेकंड फ्लिप फ्लॉप का वो वन है। अब जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई टी टू इंटरवल पे पहले वाला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो गया, अब ये जो चेंज है थोड़ी देर के बाद मिलेगा ड्यू टू द प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप वन। अब ये क्योंकि थोड़ी देर बाद मिलेगा जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट उस वक्त वन था सो इसका आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा जीरो से वन चला जाएगा। इसी तरह अगर आप टी थ्री इंटरवल पे देखें पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका तो आउटपुट चेंज हो रहा है, अब टी थ्री इंटरवल पे दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका इनपुट जो है वो जीरो पे है, जो ही क्लॉक आई आउटपुट जो है वो जीरो पे ही रहेगा क्योंकि दोनों इनपुट जीरो जीरो पे हैं। इसी तरह टी फोर इंटरवल पे अगर देखें दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट जो है लॉजिक वन पे है, जो ही हाई टू लो ट्रांजिशन हुई क्लॉक पे वो स्टेट अपनी चेंज कर लेगा हाई से लो की तरफ। इसी तरह टी फाइव टी सिक्स टी सेवन एंड टी एट इंटरवल पे डिपेंडिंग ऑन द इनपुट ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप उसकी आउटपुट स्टेट चेंज हो रही है। अब अगर आप इसकी काउंट वैल्यू देखें ये टू बिट काउंटर कैसे बना, बेसिकली टी वन से टू टी टू इंटरवल तक एफ नॉट जो है वो वन है, एफ वन जो है जीरो है। टी टू से टी थ्री इंटरवल पे एफ जीरो जो है आउटपुट वो जीरो हो गया और एफ वन आउटपुट जो है टू हो गया। सो पहला काउंट जो था टी वन टी टू इंटरवल में वन था अब टू हो गया। इसी तरह टी थ्री टी फोर इंटरवल में देखें ये थ्री काउंट हो गया, टी फोर टी फाइव इंटरवल में दोनों आउटपुट जो है वो जीरो जीरो हो गए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट जीरो। इसी तरह टी फाइव टी सिक्स इंटरवल में एफ जीरो वन हो गया, एफ वन जीरो है, ये वापस रीसाइकल हो गया जीरो जीरो से दोबारा से वन हो गया। इसी तरह टी सिक्स टी सेवन इंटरवल में टू काउंट कर रहा है और टी सेवन टी एट इंटरवल में थ्री काउंट कर रहा है। अभी हमने टू बिट सिंक्रोनस काउंटर देखा, अगेन बड़ा सिंपल है, पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स दोनों जे के वन के साथ परमानेंटली कनेक्ट किए हैं, दोनों की क्लॉक्स इकट्ठी हमने कनेक्ट किए हैं और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं पर वो वन के साथ कनेक्ट नहीं किए, हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट किए। अब अगर हम बात करें थ्री बिट फ्लिप फ्लॉप की, थ्री बिट फ्लिप फ्लॉप में ऑफकोर्स तीन फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, उनको कैसे कनेक्ट करना है? बेसिकली पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों जे के इनपुट जो है वो वन के साथ कनेक्ट होंगे, दैट मीन्स पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो हर क्लॉक ट्रांजिशन में टॉगल कर रहा है वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन हो रहा है उसमें, तो बेसिकली उसके इनपुट जो है जे के वो वन पे ही रहेंगे।
दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो जैसे हमने पहले देखा जो जे के इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो कनेक्ट हुए हैं पहला वाला फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ, क्लॉक दोनों की मुश्तरका है, साइमल्टेनियस क्लॉक सिग्नल्स दोनों को मिल रहे हैं, साइमल्टेनियसली ट्रिगर हो रहे हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप की, वो कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका भी जे के जो इनपुट है आपस में कनेक्ट करके दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। बेसिकली इस तरह नहीं होगा, उसमें जिस तरह हम एसिंक्रोनस में कर रहे हैं एक बड़ा रेगुलर सा स्ट्रक्चर है, सिंक्रोनस काउंटर्स में इस तरह हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप सर्किट डायग्राम को देखें, अभी हम देखेंगे भी, जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका जो इनपुट है जे के इनपुट वो आपस में तो कनेक्ट है पर वो एक एंड गेट के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है और एंड गेट के जो इनपुट्स आ रहे हैं वो बेसिकली आ रहे हैं पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट और दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंड गेट क्यों हम यूज कर रहे हैं। देखिए जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल होगा जब भी उसके इनपुट जो है वो वन होंगे उसमें। अब वन टॉगल हम कब करवाएंगे, जब पहले दो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो काउंट कर गए वन वन पे। बेसिकली अगर तीन बिट फ्लिप फ्लॉप को देखें तो स्टेट होगी वन वन जीरो, दैट मीन्स थ्री। अब थ्री के बाद नेक्स्ट स्टेट जो है वो फोर होनी चाहिए, तो पहले जो दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट जीरो हो जानी चाहिए और जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेट वन हो जानी चाहिए। अब पहले जो स्टेट है वो जीरो है, जीरो से वन कैसे होगी अगर तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे दोनों जो जे के इनपुट्स हैं वो वन पे हों। अब वन हम कैसे बना रहे हैं, अब पहले दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट वन है, सो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा वन होगा। सो जो ही एक क्लॉक पल्स आई जे के इनपुट जो है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के जो कि एंड गेट के साथ कनेक्टेड है वो वन पे हैं, सिग्नल आया उसकी स्टेट जीरो से वन पे चली जाएगी और जो दो पहले फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी स्टेट वन से जीरो की तरफ जा रही है। इसमें आइए देखते हैं ये सर्किट डायग्राम इसका और इसके टाइमिंग डायग्राम भी देखें। डायग्राम में एक थ्री बिट सिंक्रोनस काउंटर दिखाया गया, तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं पहला और दूसरा उसी तरह कनेक्टेड हैं जैसे कि हमने पहले देखा था टू बिट फ्लिप फ्लॉप के केस में। तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स वो आपस में कनेक्ट हुए हैं और एंड गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं। जैसा कि हमने बताया एंड गेट का एक इनपुट जो है वो एफ नॉट है जो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है और दूसरा इनपुट जो है वो एफ वन है जो कि दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है F2 अगर उसकी आउटपुट स्टेट जीरो है वो वन तभी होगी जब J और K इनपुट वन होंगे। J और K वन कब होंगे, जब एंड गेट के दोनों इनपुट्स F0 और F1 जो है दोनों वन हो, अगर उनमें से कोई भी एक जीरो हो तो आउटपुट वन नहीं होगा, तो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। आइए अब जरा देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में क्लॉक इनपुट दिखाया गया है जो कि तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर रहा है। F0 आउटपुट दिखाया गया, F1 आउटपुट दिखाया गया, एंड गेट का आउटपुट दिखाया गया और F2 का आउटपुट दिखाया गया। अब T1 टाइम इंटरवल से अगर आप देखें, F0 आउटपुट जो है वो 1 हो गया, F1 आउटपुट जो है वो 0 है और F2 आउटपुट जो है वो 0 है। अब क्योंकि एंड गेट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है F0 आउटपुट पे और F1 आउटपुट पे, तो इसका भी आउटपुट 0 है। अब T2 इंटरवल पे इसने काउंट किया दूसरी स्टेट पे, सो F0 0 हो गया, F1 1 हो गया, F2 भी 0 हो गया, सो ये 1 से काउंट कर दिया इसने 2 पे। T3 इंटरवल पे ये काउंट कर रहा है 3 पे, F0 और F1 जो दोनों हैं वो 1 हो गए। अब नेक्स्ट स्टेट जो है F0 और F1 जो है 0 हो जाने चाहिए और F2 आउटपुट जो है जो कि 0 है उसको 1 पे हो जाना चाहिए। जैसे कि पहले बताया ये 0 से 1 तभी होगा जब तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट्स 1 हो। अब एंड गेट के आउटपुट को देखें वो 1 हो रहा है T3 T4 इंटरवल में। सो जो ही अब क्लॉक पल्स आएगी तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे 1 है, सो वो टॉगल हो गया 0 से 1 की तरफ चला गया। सो T4 T5 इंटरवल में F0 आउटपुट 0 हो गया, F1 आउटपुट 0 है और F2 आउटपुट 1 हो गया। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 1 जो कि 4 है। इसी तरह T5 T6 इंटरवल में F0 टॉगल हो गया 0 से 1 चला गया, F1 जो है वो 0 था 0 ही है, F2 आउटपुट उसके भी कोई चेंज नहीं आया, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 5। T6 T7 इंटरवल में F0 जो है वो 1 से 0 हो गया, F1 जो है वो 0 से 1 हो गया और इसी तरह F2 जो है वो 1 से 1 ही रहा। ये जो है 6 स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 0, F2 1 है, F1 1 है और F0 0 है। इसी तरह T7 T8 इंटरवल में अगली स्टेट काउंट कर रहा है जो स्टेट 7 है, तीनों आउटपुट्स जो है 1 1 1 है। इसी तरह अगर T8 के बाद देखें, T8 में अगर आप देखें F0 आउटपुट जो है वो 1 है और F1 आउटपुट वो भी 1 है। अब एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, बेसिकली वो भी 1 हो जाएगा। अब तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स दोनों 1 हो गए, सो जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई T8 पे सो आउटपुट इसका 1 से 0 हो जाएगा, F2 आउटपुट जो है 1 से 0 हो जाएगा और इसी तरह F0 F1 आउटपुट जो है वो वैसे ही खुद से 0 पे जा रहे हैं, सो ये रीसाइकल हो गया 1 1 1 स्टेट से 0 0 0 स्टेट पे चला गया। अभी हमने 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का सर्किट देखा, उसमें हमने बताया कि एक एंड गेट टू इनपुट एंड गेट यूज कर रहे हैं जिसके इनपुट्स के साथ F0 F1 इनपुट आउटपुट्स कनेक्टेड हैं, सो जो ही दोनों 1 होते हैं तो तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट चेंज कर देगा, 0 से 1 हो जाएगा या 1 से 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जरा थोड़ा सा सोचें 4 बिट फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप बनाया जाए तो उसमें क्या होगा, जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है वो बाकी तीन के साथ कैसे कनेक्ट होगा।
देखिए 4 बिट अगर सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है तो वो बेसिकली हम मॉड 16 काउंटर के तौर पे हम देख सकते हैं उसको. दैट मींस वो 0000 से स्टार्ट होगा और 1111 तक जाएगा. 1111 तक पहुंच के फिर दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से काउंट 0000 से शुरू कर देगा. चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली पहले जो 8 स्टेट्स हैं 0 से लेके 7 तक उसका आउटपुट क्या है, 0 रहता है. और उसके बाद जो है 8 से लेके 15 तक उसका जो आउटपुट है वो 1 हो जाता है. सो बेसिकली पूरे काउंट सीक्वेंस में जो 16 स्टेट्स हैं वो बीच में जाके 0 से 1 हो रहा है और जब एंड पे पहुंचता है 1 से दोबारा 0 हो रहा है. अब अगर आप देखें जब वो 0 से 1 हो रहा है वो कब हो रहा है, जब स्टेट 7 तक काउंट हो गया कर लिया. 7 से जब 8 जाएगा तो वो 0 से 1 होता है. अब स्टेट 7 को अगर आप देखें, F0 जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप और तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, उसके आउटपुट पे क्या है, तीनों पे 1 है. अब जब 8वां स्टेट पे जाएगा उसमें तीनों जो फ्लिप फ्लॉप है उनकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट 1 हो जाएगी. सो दैट मींस जब भी तीनों पहले वाले फ्लिप फ्लॉप है उनके आउटपुट पे 1 हो, क्लॉक पल्स आई, तो चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है उसको स्टेट अपनी चेंज कर देनी चाहिए. सो बेसिकली चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके जे के इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं, उस पर अगर हम 1 अप्लाई करें, उसको ट्रिगर करें, क्लॉक सिग्नल दें, तो वो स्टेट चेंज करेगा. अब 1 कैसे लेके आएंगे, हमें ये हमने देखा है कि F0, F1 और F2 जो है वो तीनों 1 पे हैं. सो बेसिकली अगर एक 3 इनपुट एंड गेट इस्तेमाल करें और उसके जो इनपुट्स हैं वो F0, F1, F2 के साथ कनेक्ट कर दें तो आउटपुट इसका एंड गेट का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब इसका जो आउटपुट है चौथे फ्लिप फ्लॉप जो है उसके जे के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें, जो ही क्लॉक पल्स आई वो ट्रिगर हो जाएगा और अपनी स्टेट 0 से 1 कर देगा. अब देखते हैं जो आखिरी स्टेट है 1111, तब भी नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे जो काउंटर है 0000 पे हो जाना चाहिए. दैट मींस चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपना आउटपुट जो है 1 से 0 पे चेंज कर रहा है. इस केस में भी जो तीनों पहले वाले फ्लिप फ्लॉप हैं F0, F1, F2 उनके आउटपुट पे क्या है, 111 है. वही एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया. क्लॉक पल्स आया, अब क्योंकि 1 है स्टेट, इसका प्रीवियस स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 हो जाएगा. सो आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम. सो 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर में जो चौथा फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट कर रहे हैं उसको एक 3 इनपुट एंड गेट की मदद से कनेक्ट कर रहे हैं. आइए देखें इसका सर्किट डायग्राम में एक 4 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर दिखाया गया. पहले जो 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो तो वही 3 बिट काउंटर वाला सर्किट है जिसमें एक एंड गेट यूज किया हुआ है. आइए कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसको कैसे कनेक्ट किया गया. चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे एंड गेट के साथ. इस एंड गेट के जो 2 इनपुट्स हैं, एक तो F2 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो कनेक्ट हुआ है पहले वाले एंड गेट के आउटपुट के साथ. अब पहले वाले एंड गेट का जो इनपुट है वो बेसिकली F0 और F1 है. सो दैट मींस पहले वाले एंड गेट का आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट है F0 और F1 का. अब जो दूसरा एंड गेट है उसके इनपुट पे प्रोडक्ट आ रहा है F0 और F1 का. सो आउटपुट जो होगी इसकी वो होगी प्रोडक्ट F0, F1 एंड F2 की. अभी हमने 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर देखा, उसमें आखिरी जो फ्लिप फ्लॉप है, चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम बाकी 3 फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट कर रहे हैं एक 3 इनपुट एंड गेट की मदद से. अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सिंक्रोनस काउंटर में हम एंड गेट्स क्यों यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जो हैं जे के इनपुट सारे फ्लिप फ्लॉप के वो 1 के साथ क्यों नहीं कनेक्ट करते थे जैसे कि हमने एसिंक्रोनस के केस में किया था. बेसिकली अगर आप दोनों सर्किट्स को एसिंक्रोनस काउंटर जो है 4 बिट और सिंक्रोनस काउंटर जो है 4 बिट का सामने रखें, उनके टाइमिंग डायग्राम्स देखें तो आपको समझ आएगी. अगर हम सिंक्रोनस में चारों फ्लिप फ्लॉप के जे के इनपुट परमानेंटली 1 के साथ कर दें उसमें तो फिर क्या होगा बेसिकली. अब क्योंकि चारों को साइमल्टेनियसली हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो हर क्लॉक पल्स में जो चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो टॉगल करेंगे अपनी स्टेट. अब अगर चारों हर टाइम इंटरवल पे टॉगल कर रहे हैं तो वो काउंट प्रॉपरली नहीं करेंगे, वो बाइनरी जो काउंट है 0 से 1, 1 से 2, 3 वो नहीं होगा उसमें. एसिंक्रोनस में क्यों प्रॉपर काउंट कर रहे हैं, बेसिकली अगर एसिंक्रोनस में जो हम क्लॉक इनपुट दे रहे हैं वो सिंक्रोनस नहीं है, बेसिकली सारों को एक क्लॉक नहीं दे रहे, दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी क्लॉक जो है पहले वाले से आ रही है. अब हम अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं, जो एसिंक्रोनस काउंटर है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है काउंटर है, तो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिकली अगर उसके इनपुट पे हाई से लो ट्रांजिशन हो रही जो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रही है, उसकी स्टेट लेट से 1 है वो 0 होगी तो हाई टू लो ट्रांजिशन हुई, उस वक्त जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा क्योंकि उसके इनपुट पे दोनों 1-1 है. अगर पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेट जो है वो 0 है और वो चेंज हो रहा है 1 पे, तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हो रही क्लॉक पे वो लो टू हाई पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रही है. अब फ्लिप फ्लॉप क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा अपनी स्टेट को. सो एसिंक्रोनस में क्योंकि हम हर जो क्लॉक इनपुट है वो पहले वाले से आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इसको टेक केयर करता है, बेसिकली वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को चेंज नहीं होने देता. सिंक्रोनस में जैसे पहले बताया क्योंकि सारों को साइमल्टेनियसली आ रही है तो जो ही एक क्लॉक आई सारों की हाई टू लो ट्रांजिशन होगी तो सारे साइमल्टेनियसली अपनी स्टेट चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये एंड गेट लगाने पड़ रहे हैं.
अब ये प्रोसीजर क्या है, हम वैसे तो एंड गेट नहीं लगा रहे, जैसे हमने बताया 2 बिट के केस में, 3 बिट के केस में, 4 बिट के केस में, 2 बिट के केस में तो एंड गेट की जरूरत नहीं है, 3 बिट के और 4 बिट के केस में एंड गेट की जरूरत है, और हम बेसिकली जब पहले 2 फ्लिप फ्लॉप उनकी स्टेट्स हाई हो जाती हैं फिर हम तीसरे को ट्रिगर करते हैं या चौथे को ट्रिगर करते हैं यूजिंग ए 3 इनपुट एंड गेट। इसको हम थोड़ा सा इस मेथड को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि लेट्स से हमने एक मॉड 10 काउंटर बनाना है या मॉड 16 बनाना है या मॉड 13 बनाना है, तो कितने एंड गेट्स लगेंगे, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे वो हम देखते हैं। अभी हम डेकेड काउंटर की बात करते हैं तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे, इसके बाद हम एक पूरा डिजाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसमें आप कोई भी काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। उसमें आइए बात करते हैं एक डेकेड काउंटर की, डेकेड सिंक्रोनस काउंटर की। डेकेड सिंक्रोनस काउंटर जैसे कि नाम से पता लग रहा है 10 स्टेट्स होंगी, सो बेसिकली 000 से काउंट करेगा और 1001 तक चला जाएगा, 10 यूनिक स्टेट्स होंगी। इसके बाद जो ही वो 11th स्टेट पे काउंट कर रहा है, दैट मीन्स 1010, उसको क्या होना चाहिए, उसको रिसाइकिल कर जाना चाहिए, उसको रीसेट कर देना चाहिए। हमने एसिंक्रोनस काउंटर्स में भी ये डेकेड काउंटर पढ़ा था, उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो ही ये 1010 11 स्टेट काउंट करता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं स्टेट को, और जो चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं, जो एसिंक्रोनस इनपुट है उसकी मदद से हम क्लियर कर रहे हैं। सिंक्रोनस के काउंटर के केस में हमें वो जो एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली हम अगेन लॉजिक गेट्स यूज करेंगे जिसकी मदद से हम वो जो आखिरी स्टेट है, जो 11th स्टेट है 1010 वाली, उसको डिटेक्ट करेंगे और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हम रीसेट कर देंगे इस गेट की मदद से, एसिंक्रोनस इनपुट को हम यूज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं ये सर्किट काम कैसे कर रहा है, इसके टाइमिंग डायग्राम भी देखते हैं और एक प्रोसीजर भी देखते हैं कि ये जो डिफरेंट एंड गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे हमें पता लगता है कि इधर कौन सा वाला एंड गेट इस्तेमाल करना है, 2 इनपुट होना चाहिए या 3 इनपुट होना चाहिए। सो आइए देखें डेकेड काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर ऑफकोर्स, आइए देखते हैं ये सिंक्रोनस डेकेड काउंटर कैसे बनाया जाता है। पहले जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये एक फंक्शन टेबल है, जो 10 स्टेट्स जो हैं जो सिंक्रोनस डेकेड काउंटर काउंट करेगा वो दिखाई गई हैं। सो क्लॉक पल्स इनपुट पे पहली पल्स पे स्टेट 0000 होगी, दूसरी क्लॉक पल्स पे 0001 भी हो जाएगी, इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, दसवीं तक ये स्टेट जो इंक्रीमेंट करता जा रहा है, ये काउंट को इंक्रीमेंट करता जा रहा है। सो जो लास्ट स्टेट है 10वीं स्टेट उस पे 1001 हो गया। अब इसके बाद जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये डेकेड काउंटर जो है वापस रिसाइकल कर जाना चाहिए 0000 पे। अब अगर आप एफ नॉट आउटपुट को देखें, एफ नॉट जो है बेसिकली ये आउटपुट है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का। अब ये जो आउटपुट है 0101 टॉगल कर रहा है, पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट टॉगल करने के लिए उसके इनपुट को, जे के जो इनपुट्स हैं उनको 1 के साथ परमानेंटली कनेक्ट करना पड़ेगा। सो जो ही इसको क्लॉक पल्स देंगे ये 0 से 1 हो जाएगा, फिर दोबारा क्लॉक पल्स देंगे 1 से 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों जे के इनपुट्स परमानेंटली 1 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं एफ वन आउटपुट को, एफ वन आउटपुट जो है वो दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है। अब पहली 2 स्टेट्स के लिए 0 है, फिर नेक्स्ट 2 स्टेट्स के लिए 1 1 है, फिर अगेन 0 0 हो रहा है, फिर 1 1 हो रहा है, 9वीं और 10वीं स्टेट जो है क्लॉक पल्सेस 9 और 10 पे 0 0 है, उसके बाद जब ये रिसाइकल होता है क्लॉक पल्सेस 1 2 के लिए दोबारा 0 0 रहता है। अब एफ वन का आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप एफ नॉट को देखें, एफ नॉट जब 1 है तो एफ वन जो है 0 से 1 चेंज हो रहा है। अगेन क्लॉक पल्स 4 पे अगर देखें, एफ नॉट 1 है तो एफ 1 पे क्या चेंज हुआ है, वो 1 से 0 हो रहा है। अगेन क्लॉक पल्स 6 पे देखें, 6 पे देखें, एफ नॉट 1 है तो एफ 1 के आउटपुट पे क्या फर्क पड़ा, 0 से 1 हो गया। और इसी तरह क्लॉक पल्स 8 पे देखें, एफ नॉट 1 है, एफ 1 के आउटपुट पे क्या फर्क पड़ा, 1 से 0 हो गया। अब हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर एफ नॉट 1 है तो एफ 1 जो है वो स्टेट अपनी चेंज करेगा 0 से 1 या 1 से 0। बट अगर आप क्लॉक पल्स 10 पे देखें, क्लॉक पल्स 10 पे एफ नॉट जो है आउटपुट वो भी 1 है। अब इसकी वजह से एफ 1 पे क्या फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, एफ 1 जो है क्लॉक पल्स 10 पे भी 0 है और जब ये रिसाइकल करके क्लॉक पल्स 1 पे अगर देखें तब भी 0 रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ 1 जो है अपनी स्टेट उस वक्त चेंज करेगा जब एफ नॉट का आउटपुट 1 हो। अगर आप एफ 3 आउटपुट को देखें वो 0 हो और एफ नॉट आउटपुट जो 1 हो तब ये एफ 1 का आउटपुट जो है वो 0 से 1 चेंज होगा या 1 से 0 चेंज होगा। सो अगर क्लॉक पल्स 2 पे देखें, एफ नॉट 1 है और एफ 3 0 है, जिसकी वजह से एफ 1 जो है अपना आउटपुट स्टेट 0 से 1 पे चेंज कर रहा है। इसी तरह क्लॉक पल्स 4 पे देखें, एफ नॉट आउटपुट जो है वो 1 है, एफ 3 आउटपुट जो है वो 0 है, अगेन एफ 1 आउटपुट जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है 1 से 0 को जा रहा है। और अगेन क्लॉक पल्स 6 को देखें, एफ नॉट आउटपुट 1 है, एफ 3 आउटपुट 0 है, एफ 1 जो है अपनी आउटपुट स्टेट अगेन 0 से 1 पे चेंज कर रहा है। इसी तरह क्लॉक पल्स 8 पे देखें, एफ नॉट आउटपुट 1 है, एफ 3 आउटपुट 0 है, एफ 1 जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है 1 से 0 की तरफ। अब आखिरी वाले आउटपुट को देखें, क्लॉक पल्स 10 पे एफ नॉट 1 है और एफ 3 जो है वो भी 1 है। अब इसकी वजह से जैसा कि नजर आ रहा है एफ 1 ने अपना स्टेट चेंज नहीं किया, सो दैट मीन्स
F1 जो है बेसिकली फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट कब चेंज होगा, जब F0 1 हो और F3 आउटपुट 0 हो. अगर F3 आउटपुट 1 हो जाता है फिर स्टेट चेंज नहीं करेगा. सो हम जो भी एंड गेट या और गेट या कोई भी लॉजिक गेट जो कनेक्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप 2 के इनपुट पे, वो डिपेंड करेगा इस बुलियन एक्सप्रेशन पे F0 F3 बार. अब आइए देखते हैं F2 आउटपुट पे. F2 आउटपुट जो है वो तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट है. अब तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट क्लॉक पल्स 4 से 5 जब हो रहा है तो 0 से 1 हो रहा है, और इसी तरह 8 से 9 जब क्लॉक पल्स चेंज हो रहा है 8 में से 9 में, आउटपुट F2 जो है 1 से 0 चेंज हो रहा है. अब इनपुट स्टेट्स क्या होनी चाहिए, अगर आप F0 आउटपुट को देखें और F1 आउटपुट को देखें, जब दोनों 1 हैं तो F2 की जो आउटपुट है वो 0 से 1 चेंज हो रही है. इसी तरह अगर आप क्लॉक पल्स 8 पे देखें, F1 और F0 दोनों आउटपुट 1 है, F2 का जो स्टेट है वो 1 से 0 हो गया. सो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे हम अगेन लॉजिक सर्किट यूज करेंगे जो इम्प्लीमेंट करेगा बुलियन एक्सप्रेशन F0 प्रोडक्ट F1. बेसिकली एक एंड गेट इस्तेमाल करेंगे जिसके दोनों इनपुट जो है कनेक्टेड होंगे F0 और F1 के साथ. अब आइए देखें F3 आउटपुट को. F3 आउटपुट जो है वो 0 है क्लॉक पल्स 1 से लेके क्लॉक पल्स 8 तक. चेंज कब हो रहा है, जब क्लॉक पल्स 9 आया, 9 पे वो ट्रिगर हो जाता है, आउटपुट चेंज कर लेता है 0 से 1 की तरफ, और 10वें क्लॉक पल्स पे 1 ही रहता है. 10वें के बाद जो रिसाइकल करता है दोबारा से 0 पे चला जाता है. अब जो फ्लिप फ्लॉप 4 है उसका आउटपुट जो चेंज हो रहा है उसके इनपुट कंडीशंस क्या है. F3 आउटपुट जो है 0 से 1 उस वक्त चेंज होता है जब F2 आउटपुट, F1 आउटपुट और F0 आउटपुट तीनों 1 हो क्लॉक पल्स 8 में. सो जैसे कि नजर आ रहा है F2 F1 F0 जो है क्लॉक पल्स 8 पे तीनों 1 है, क्लॉक पल्स 9 पे F3 आउटपुट 0 से 1 हो गया. अब क्लॉक पल्स 10 के बाद क्लॉक पल्स 1 के दरमियान जो है अगेन 1 से 0 हो रहा है. ये कब हो रहा है, जो कंडीशन इनपुट कंडीशंस हैं, अगर क्लॉक पल्स 10 के रो में देखा जाए F0 आउटपुट 1 हो और F3 आउटपुट 1 हो, दोनों अगर 1 हो तो F3 का नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 हो जाएगी. सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे एक हमने बुलियन एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग लॉजिक गेट्स, जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ F2 F1 F0 एंड सम विद अनदर प्रोडक्ट टर्म, जो प्रोडक्ट टर्म है F0 F3. आइए अब जरा सर्किट डायग्राम देखते हैं इंडिकेटर काउंटर का. पहला फ्लिप फ्लॉप जैसे कि हमने देखा है उसमें दोनों इनपुट 1 के साथ कनेक्टेड हैं, जो ही क्लॉक पल्स आया तो इसका आउटपुट जो है 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, टॉगल करता रहेगा. दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका जो इनपुट है वो कनेक्ट हुआ है एक एंड गेट के साथ. एंड गेट का जो इनपुट है एक जो है पहला फ्लिप फ्लॉप F0 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा इनपुट जो है वो F3 बार के साथ कनेक्टेड है. जैसे कि आपको याद हो पहले बुलियन एक्सप्रेशन की बात की थी, इसका जो आउटपुट कंडीशन है जो पहला एंड गेट है इट शुड बी F0 F3 बार. इसी तरह अगर आप तीसरे फ्लिप फ्लॉप को देखें, तीसरा फ्लिप फ्लॉप के जे के इनपुट्स जो है वो कनेक्ट हुए हैं दूसरे एंड गेट के साथ. दूसरा एंड गेट जो है उसके इनपुट्स F1 के साथ कनेक्ट होने चाहिए, सो इसका जो प्रोडक्ट है F0 F1 है. जैसा कि ऊपर सीक्वेंस में हमने देखा था तीसरा फ्लिप फ्लॉप है ये उस वक्त अपनी स्टेट चेंज करेगा जब F0 और F1 दोनों 1 हों. अभी देखते हैं चौथे फ्लिप फ्लॉप को. चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट में 2 एंड गेट्स कनेक्टेड हैं, दोनों एंड गेट के आउटपुट्स में एक और गेट के साथ कनेक्टेड हैं. जो ऊपर वाला एंड गेट है उसके जो इनपुट्स पे F3 आ रहा है और F0 आ रहा है, सो F0 और F3 का प्रोडक्ट है. दूसरा नीचे वाला जो एंड गेट है उसका जो इनपुट है एक F0 F1 है और दूसरा इनपुट जो है F2 है, सो दूसरा एंड गेट उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है F0 F1 एंड F2 है. सो और गेट जो है बेसिकली पहले वाला एंड गेट उसका प्रोडक्ट जो है और दूसरे वाला एंड गेट उसका प्रोडक्ट है, उसको सम करके जे के इनपुट पे अप्लाई कर रहा है. सो इन दोनों में से कोई भी 1 होगा जे के जो है वो 1 हो जाएगा और चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट चेंज कर देगा. अभी हमने एक सिंक्रोनस डेकेट काउंटर को डिजाइन करने की कोशिश की. बेसिकली हमने पहले तो उसके सीक्वेंस लिखे जो 10 स्टेट्स हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं तो हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट कंडीशन क्या होगी जिसकी वजह से वो आउटपुट अपनी चेंज कर लें. अभी हमने इस पर डिस्कशन कंप्लीट नहीं की, इसको हम आइंदा लेक्चर में भी दोबारा देखेंगे, इसके टाइम पिकिंग डायग्राम को देखेंगे. आप काइंडली इसको जरा पढ़ लीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ, हैंड आउट में भी दिया हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे. ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.